ऑलराइट गाइस, स्वागत आपका इस वीडियो में। तो यार, आप लोग खुद भी सोच रहे होंगे कि यार इतनी जल्दी में कैसे ले आया वीडियो, मतलब नहीं भी सोच रहे होंगे तो यार मैंने सोचवा दिया तुमको। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में साकुरा का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली उसने कुशीडा और आयानो कोजी को अपने साथ बुलाया होता है। अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में कि कुशीडा जब साकुरा से बात करने के लिए उसके पास गई थी तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसका कैमरा टूट गया था या फिर चलना बंद हो गया था। इसी वजह से उसने आयानो कोजी और कुशीडा को यहाँ पे बुलाया होता है जिससे कि ये साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जा सके और ये कैमरा ठीक करवा सके, क्योंकि साकुरा को लोगों से बात करने में थोड़ा डर लगता है, उसको नर्वस फील होता है, इस वजह से उसने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है। जब ये लोग यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे इनको पता चलता है कि इसका कैमरा वारंटी के अंदर है, जिस वजह से इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो स्टोर का क्लर्क होता है युकित्सु, वो साकुरा से उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगने लग जाता है और भाई उसकी ठरकी नजरों में देख के यार साकुरा और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है। आयानो को जी यहाँ पे यही सोचता है कि भाई उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पे साकुरा को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन देने में, तो इसलिए वो यहाँ पे युकित्सु से यही कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वैसे भी ये सब कुछ वारंटी के अंदर है, तो जब भी ये कैमरा रिपेयर हो जाएगा तो तुम मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे यार युकित्सु के तो भाई ऐसी तैसी हो जाती है, वो कहता है भाई ऐसा तो होना चलेगा यार, ऐसा नहीं हो सकता, कैमरा तो उनका है ना और तुम्हारा क्या लेने देना है इसमें। बेसिकली यहाँ पे वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि उसको यार उस बंदी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे आयानो को जी संभाल लेता है ये सीन, ठीक है। जिसके बाद ये तीनों यहाँ पे बैठते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद कुशीडा इधर वॉशरूम के लिए जाती है तो ये दोनों काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं। आयानो को जी यहाँ पे मन में ये सोचते हैं कि यार इसके साथ यहाँ पे अकेले बैठने में काफी ऑकवर्ड फील हो रहा है और ऐसे चुप रहने में और भी ज्यादा ऑकवर्डनेस हो रही है। तभी यहाँ पे साकुरा यही कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आयानो को जी यहाँ पे साकुरा को एकदम ऑनेस्ट सजेशन देता है और उससे यही कहता है कि देखो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए वही करो, ना मेरे लिए, ना कुशीडा के लिए, ना सूडो के लिए, जो तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें करना चाहिए वही करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ के अपनी आवाज उठानी चाहिए, ये चीजें रिवील करनी चाहिए, तो तुम कर सकती हो, और अगर तुम चाहती हो कि तुम चुप रहो और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम चुप भी रह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आयानो को जी साकुरा को थोड़ा बहुत इनकरेज करता है उसके एक्शंस के लिए, वो उसको पूरी फ्रीडम देता है कि वो चाहे जो चाहे कर सकती है, जिससे कि यहाँ पे साकुरा थोड़ा ब्लश करने लग जाती है और आयानो कोजी को देखती है। तभी यहाँ पे कुशीडा आ जाती है और इससे पहले कि ये अलग हो, कुशीडा यहाँ पे आयानो कोजी से यही पूछती है कि यार मैं तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ बाद में, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। जब ये लोग यहाँ पे रूम में आ जाते हैं तो आयानो कोजी उससे यही पूछता है कि बताओ क्या हुआ, क्या बात करनी थी तुम्हें। तो बेसिकली यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि साकुरा एक जानी मानी इंटरनेट मॉडल है और उसकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है और हमें बताया जाता है कि रिसेंट में ही यहाँ पे साकुरा काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी, इस वजह से शायद वो और लोगों के सामने नहीं आना चाहती और वो चाहती है कि वो लो प्रोफाइल रखे, क्योंकि अगर वो ज्यादा लोगों की नजरों में आएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि यही वो सेलिब्रिटी है। आयानो कोजी ने यहाँ पे ये भी नोटिस कर लिया होता है कि साकुरा ने उधर फेक ग्लासेस पहन रखे थे जिससे कि उसका असली चेहरा कोई ना पहचान पाए, वैसे वो फेक ग्लासेस ही पहनती है क्योंकि आयानो कोजी ने नोटिस किया था कि उसमें कुछ डिस्टॉर्शन नहीं है, यानी कि वो ग्लासेस एकदम प्लेन है, उनमें कुछ नंबर वगैरह नहीं है। तभी यहाँ पे कुशीडा को साकुरा का मैसेज आता है और वो यही कहती है कि वो केस में इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ पे हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और सुजुनो क्लास में आयानो कोजी से यही पूछती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी पूरी छुट्टी कुशीडा के साथ बिताई है, क्यों, क्या चल रहा है तुम दोनों का। तो यहाँ पे आयानो कोजी यही कहता है कि तुम्हें पता ही है साकुरा के बारे में, तो हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे थे और अब वो मदद करने के लिए मान चुकी है। तो सुजुनो यही कहती है क्या बात है, वैसे तुम्हें तो कभी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, और अब तुम काफी मदद कर रहे हो लोगों की, लेकिन जब मैं फेवर मांगती हूँ तब तुम बिल्कुल भी आगे नहीं आते, क्यों, है ना। चलो जो भी हो, स्टूडेंट काउंसिल ने हेयरिंग का दिन डिसाइड कर लिया है जो कि आज ही है, तो क्लास के बाद आज ही वो मीटिंग होगी। तो यहाँ पे हमें हेयरिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें मानाबू भी आया हुआ होता है। अब यार ऑब्वियसली बात है, मानाबू को यहाँ पे आना कोई बनता नहीं था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुजुनो की वजह से आया होता है और इसका यहाँ पे सुजुनो के ऊपर भी काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उसे देख के एकदम शांत हो जाती है, एकदम चुप बैठ जाती है। बेसिकली वो थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मानव भी इधर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों क्लासेस एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं और ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन होता है क्लास सी की तरफ जाने लग जाता है। इससे हमें ये दिखाया जाता है कि भाई क्लास सी जीत रही है और बेसिकली क्लास सी एकदम सच बोल रहे है और सूडो ही झूठा है एक नंबर का, ठीक है। अब क्योंकि ये सबके सब अपना कुछ पॉइंट नहीं रख पाते, सुजुनो एकदम बोल भी नहीं पाती क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ होता है, उसी को सब कुछ बोलना था, लेकिन वो यहाँ पे चुप होती है क्योंकि उसका
भाई भी यहाँ पे होता है, तो आयानोगो जी को पता होता है कि ऐसे तो भाई हम हार जाएंगे, तो वो यहाँ पे भाई सुजुने को गुदगुदी करना शुरू कर देता है, कंटिन्यूअसली करता रहता है, सबके सब लोग देखने लग जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर बाद उसको छोड़ता है और सुजुने ये कहती है क्या कर रहे हो तुम, तो आयानोगो जी कहता है कि अगर ऐसे चुप बैठे रही तो तुम लड़ोगी कैसे, अब बोलना शुरू करो। तो यहाँ पे सुजुने थोड़ा अपना होश में आती है और आयानोगो जी मन में यही कहता है कि मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बंदा अपने ख्यालों में खो जाता है तो उसको एक फिजिकल शॉक देना पड़ता है जिससे कि वो रियलिटी में आ सके। सुजुने इधर यही कहती है कि तुम यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हो, लेकिन ये भी देखो यहाँ पे एक के सामने तीन लोग थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुडो को ये लोग हाथ भी ना लगा पाए हो और ये तीनों ही इतनी गहरी चोटें लेके बैठे हो। तो यहाँ पे क्लास सी का होमरूम टीचर यही कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, वैसे ये तो सही कहा तुमने, और चापुशीला भी कहते हैं कि हाँ ये तो कॉमन सेंस ही बात है वैसे। यहाँ पे सुजुने अपने पॉइंट्स क्लियर करना शुरू करती है और वो इनसे क्लियर अप करती है कि भाई क्या क्या कैसे कैसे हुआ था, और इन तीनों में से सिर्फ दो ही बंदे बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि सुडो के साथ है, तो तीसरा बंदा कहाँ से आ गया। तीसरा बंदा बेसिकली जिसके बारे में इनको पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो एक अच्छा खासा फाइटर है, तो उसको बॉडीगार्ड के तौर पे ये दोनों लेके आए थे, लेकिन पता कैसे था कि ये लड़ाई होगी या नहीं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सुजुने इनका जो पर्दा है वो फाश करने लग जाती है धीरे धीरे करके, इनको फंसा देती है वो, क्योंकि इनका ये कहना है कि सुडो ने इनको बुला के मारा था, लेकिन जबकि ये खुद भी साथ में एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान लेके आया था और तब भी तीनों के तीनों कैसे पिट गए सुडो के ऊपर जबकि कोई भी चोट नहीं आई है। इसके बाद यहाँ पे सुजुने साकुरा को बुलाती है एज अ विटनेस, वो ये कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, एक एविडेंस है जिसने सब कुछ देखा है। यहाँ पे साकुरा अंदर आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देती है, वो इन लोगों को बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है इस लड़ाई को होते हुए, लेकिन ये सबके सब लोग साकुरा की बात नहीं मानते क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डर रही होती है। क्लास डी का होमरूम टीचर यही कहता है कि तुम क्लास डी के स्टूडेंट्स ऐसे ही हो क्या, मतलब तुम सुडो को बचाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। तो साकुरा यहाँ पे थोड़ा नर्वस होती है ऑब्वियसली, और इसी वजह से सबको साकुरा के ऊपर शक ही होता है कि वो इतना ज्यादा घबरा रही है, इतना ज्यादा डर रही है, इसका मतलब यही है कि वो झूठ बोल रही है और उसके पास कोई रीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे साकुरा यही कहती है कि मेरे पास प्रूफ है प्रॉपर, तो वो यहाँ अपना SD कार्ड निकालती है जिसमें उसकी फोटोज होती है और साथ ही साथ उसने एक सेल्फी ली होती है जिसमें पीछे सुडो को मारते हुए ये तीन बंदे दिखते हैं। लेकिन एंड में इसका भी कोई फायदा नहीं होता, ये भी उल्टा ही पड़ जाता है। ये लोग साकुरा से यही कहते हैं कि इससे कुछ प्रूफ नहीं होता है कि सुडो ने लड़ाई नहीं शुरू की है और सुडो ने इनको नहीं मारा है या फिर इन तीनों ने लड़ाई शुरू की है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता, तो ये कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लास सी का होमरूम टीचर होता है साकागामी, वो यही ऑफर करता है कि क्यों ना हम एक कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो चावशीरा पूछती है कि कैसा कॉम्प्रोमाइज, तो साकागामी यही बोलता है कि हम सुडो को 2 वीक्स का सस्पेंशन देंगे और क्लास सी के तीनों स्टूडेंट्स को 1-1 हफ्ते का सस्पेंशन देंगे, क्योंकि इन बेचारों को ज्यादा चोट लगी है इस वजह से इनको कम सस्पेंशन मिलेगा और सुडो को ज्यादा। तो यहाँ पे जब सुजुने से पूछा जाता है कि तुम्हें ये कॉम्प्रोमाइज कैसा लगता है, तो सुजुने खड़े होकर यही बोलते हैं कि फिर चाहे कैसा भी हो, मतलब इन सबके पीछे वैसे सुडो का ही हाथ है, सुडो ने अपनी इमेज ही ऐसी बना रखी है कि उसके ऊपर आसानी से शक जाता है, जिससे सुनकर भाई सुडो भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद सुजुने यही कहती है कि लेकिन अगर इस केस की हम बात करें तो मुझे पूरा यकीन है कि सुडो की इसमें कोई गलती नहीं है और ये पूरा प्लान क्लास सी के स्टूडेंट्स का है, हमें फंसाने के लिए, हमें डीफेम करने के लिए। तो यहाँ पे आपस में झगड़ने लग जाते हैं फिर से, तो आप मानव इन सबको शांत करता है और वो यही कहता है मैंने सोचा ही था कि मेरा टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे आके, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, इसलिए इस चीज का डिसीजन मैं कल 4 बजे लूंगा और तब तक अगर कोई प्रूफ वगैरह है तुम्हारे पास तो तुम लाके मेरे को दे सकते हो, नहीं तो मैं अपना रिजल्ट यहाँ पे सामने लेके आऊंगा और इसमें हो सकता है कि मैं स्कूल से निकालने का भी डिसीजन दे दूं। तो यहाँ पे मीटिंग ओवर हो जाती है, सबके सब निकल लेते हैं। जब आयानोगो जी इधर बाहर आता है तो वो साकुरा से बात करने की कोशिश करता है, साकुरा इधर यही बोलती है कि मुझे माफ करना अगर शायद मैं पहले से आवाज उठाती, जिस दिन मैंने ये सारी चीजें देखी थी उसी के बाद से ही मैं आवाज उठाना शुरू करती तो शायद चीजें अलग होती, मुझे माफ करना। तो आयानोगो जी यहाँ पे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि ऑब्वियसली आयानोगो जी को पता होता है कि अगर साकुरा का ये प्रूफ नहीं होता तो हो सकता था कि भाई सुडो को पता नहीं कितने, शायद 1 महीने का सस्पेंशन मिलता है, लेकिन प्रूफ के साथ उसको सिर्फ 2 हफ्ते का ही सस्पेंशन मिला है, तो ऐसे अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज है ये। तभी यहाँ पे मानाबू और उसकी सेक्रेटरी रूम से बाहर आते हैं और मानाबू इधर आयानोगो जी के पास आके यही कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी वगैरह होगी या फिर तुमने कोई प्लान किया होगा, लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तो आयानोगो जी कहता है कि भाई मैं कोई लॉयर तो हूं नहीं, ना ही कोई मैं डिटेक्टिव हूं जो कि मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सुन के मानाबू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो ये सोचता है कि इसका मतलब ये है कि सुजुने ने बिना किसी प्लान या स्ट्रेटेजी के पूरी तरह से सुडो का साथ दे रही थी और मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पास जरूर कोई स्ट्रेटेजी है, इस वजह से वो इतना उछल रही थी। और तुम साकुरा, तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को तुम्हारी बात पे भरोसा है? ऐसे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, आगे चल के तुम्हारा ये जो नकाब है नीचे जरूर गिर जाएगा और तुम्हें खुद पछतावा होगा कि तुमने ये झूठ क्यों बोला है। तो आयानोगो जी यहाँ पे साइड से ये कहता है कि मेरे को तो नहीं लगता कि ये झूठ बोल रही है, मेरे को इसकी हर एक बात पे भरोसा है। तो मानाबू को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो इधर आयानोगो जी को मारने की कोशिश करते,
देखिए भाई आयानोकोजी इतना फास्ट होता है कि वो एकदम से डॉच करता है भाई पलक झपकते साथ ही, जिसे देख के यहाँ पे सकुरा और अकाने दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाती है कि भाई ये क्या हुआ एकदम से। मानाबू इधर आयानोकोजी से यही कहते हैं कि क्या तुम प्रूफ करके दिखा सकते हो कि सकुरा सच बोल रही है, नहीं इसका कोई प्रूफ है? तो आयानोकोजी कहते हैं सवाल अच्छा है, सच के लिए कल का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट एपिसोड यार मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, आपको बताया दो दो चैनल संभालने पड़ रहे हैं और ऊपर से कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है यार चैनल पे, क्या ही बोलूं यार, मतलब मैं ना अजीब बेकार सी जिंदगी चल रही है एकदम, है ना, मतलब वैसी वीडियो बनती नहीं है, ठीक है, वैसी मोटिवेशन आती नहीं अंदर से कि भाई वीडियो बना दो उठ के, ऊपर से स्ट्राइक और मार लो भाई जिससे कि थोड़ा और जो मन करे ना, अब कभी कभी जो कर जाता है मन की चलो यार आज वीडियो बनाते हैं वो भी खत्म हो जाए। तो यार यही तो है मजे की लाइफ यार, यही जिंदगी है, मतलब है कि नहीं। और अब तुम सोच रहे हो भाई मैं इतना चिल कैसे हूँ, भाई हो चुका हूँ मैं चिल, ये सारी दुनिया की ना मतलब ऐसी तैसी देख देख के ना अब मतलब कुछ अमेज नहीं कर सकता, मेरे को ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे कुछ हिला के रख दे, तो यार क्या ही कर सकता हूँ मैं। अच्छी बात है यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं खुश हूँ, मुझे भी पता है यार तुम लोग हो सपोर्ट देने के लिए, तो क्या दिक्कत वाली क्या बात है कि नहीं। और जहाँ तक बात है यार डीमन स्लेयर की, तो डीमन स्लेयर यार करेंगे यार, जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो ज़रूर करेंगे, मैं अभी ढीट हूँ, मैं अभी हार नहीं मानूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, नेवर गिव अप का एटीट्यूड ऐसे ही नहीं बना लिया मैंने अपने अंदर, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।